अक्षरों से बने पैटर्न्स, अल्फाबेट पैटर्न्स। बच्चों, आज हम सीखेंगे अपने नियम बनाकर अक्षरों या अल्फाबेट से पैटर्न बनाना और नियम बनाकर उसे गुप्त भाषा या सीक्रेट लैंग्वेज में प्रयोग करना। चतुरा, आज चीन के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से मिलेंगे। हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था। पर वे बात कैसे करेंगे? क्यों? दोनों की भाषा जो अलग है। उनके साथ ऐसे लोग होते हैं जो चीनी भाषा का हिंदी में अनुवाद करते हैं और हिंदी को चीनी में। संसार में कितनी भाषाएं हैं? अंग्रेजी, रूसी, जापानी और हमारी पंजाबी, कन्नड़, उड़िया। हाँ, और हर भाषा का अपना एक पैटर्न और नियम होते हैं। भाषा में भी पैटर्न? अरे भोलू, भाषा से याद आया, देखो हमने अपनी एक नई भाषा बनाई है और इसमें भी एक पैटर्न है। वह कैसे? पब पालू पमे पमाने पे पाएगा। पाया पता। ये दोनों क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हा हा, यह दोनों कोड भाषा में तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। मैंने तो ये भाषा ही कभी नहीं सुनी। यह भाषा इन्होंने खुद बनाई है और इस भाषा का नियम है कि वह हर शब्द के पहले अक्षर को प में बदल रहे हैं। ऐसा क्या? पैसा प्या। मुझे समझ आ गया, मुझे पमज पाप्या। एकदम पही। बच्चों, आप वीडियो को रोक के इसका अनुवाद कर सकते हो और इस भाषा में बात करने की कोशिश कर सकते हो। मुझे इनकी भाषा भी समझ आ गई है। पीला, पाइक पे पूमने पलोगी। पलूंगी पलूंगी। पीपे। अब तुम दोनों यह बताओ तो जाने। क्या? लक टीचू है। लक टीचू हीन है। यह दोनों क्या बोल रही है? यह फिर से कोड में बात कर रहे हैं। पर यह तो पहले जैसा नहीं है। अरे भोलू, पैटर्न बनाने का कोई ठोस नियम नहीं होता। तुम कोई भी नियम बनाकर नए नए पैटर्न्स या कोड बना सकते हो। इस कोड का नियम क्या है? हम हर शब्द को उल्टा बोलते हैं। बच्चों, आप इस वीडियो को रोककर इस कोड में कुछ लिखकर या बोलकर देख सकते हो। लोट सलाक मतक ने हो रब सामोस एंखा। हाँ हाँ। तो बच्चों, आज हमने सीखा अपने नियम बनाकर अक्षरों या अल्फाबेट से पैटर्न बनाना और नियम बनाकर उसे गुप्त भाषा या सीक्रेट लैंग्वेज में प्रयोग करना।